आज मैं आप लोगों को किडनी सिस्ट के बारे में बताऊंगा या पीकेडी के बारे में, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। ये होती क्या है, क्यों होती है? अगर आपके किडनी में एक छोटी सी सिस्ट बन गई है जो गांठ के आकार की होती है, गांठ होती है जो आमतौर पर एक थैली नुमा संरचना से बनी होती है, जिसकी एक दीवार होती है वो पतली सी होती है और उसमें फ्लूड भरा होता है, मीन्स कहने का कि उसमें पानी भरा होता है, तो ये गैस आगे चल के आपको कोई दिक्कत पहुंचाने वाली नहीं है। जनरली ये कोई दिक्कत नहीं क्रिएट करती है। तो इसमें करना क्या है कि अगर ये बहुत सारे पेशेंट को तो पता ही नहीं चलता कि इस तरह की भी प्रॉब्लम आ गई है उनको, या उनके किडनी में सिस्ट है, और बहुत सारे को पता भी चल जाता है तो बहुत ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये अपने आप बनती है और फिर ठीक हो जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी केस में इनकी जो साइज़ होती है, वो आकार होता है, वो बढ़ जाता है। तो गाइज, अगर आप किडनी डिजीज से परेशान हैं, मैं इस वीडियो में आपको पूरी कंप्लीट नॉलेज दूंगा, किडनी होती क्या है, कैसे इसको ठीक करना है, सिस्ट को सब कुछ बताऊंगा डिटेल में। तो वीडियो में अंत तक आप बने रहें। किडनी हमारे बॉडी में होती कहाँ पे है, किस पोजीशन पे होती है, आगे से दिखेगी या पीछे से दिखेगी? तो जनरली जो किडनी होती है वो हमारी पीछे साइड में होती है, पोस्टीरियर रीजन में होती है, और आगे से जो पेट होता है या स्टर्नम होता है, जैसा कि आपको फिगर के माध्यम से दिखाया गया है, इसके पीछे होता है, पेट के पीछे और पीछे से आगे की तरफ होता है। ये दो होती हैं, सेम के बीच के जैसे आकार की होती हैं, बट उससे बड़ा होता है। इनका मेन काम क्या होता है, ब्लड को फिल्टर करना, मीन्स ब्लड में जो भी अशुद्धि है, जो भी विषाक्त है, जो भी इस टॉक्सिन है बॉडी से, उसको ये निकालती है फिल्टर करके, और जो हमारा फ्लूड होता है उस बैलेंस को बनाए रखती है। तो किडनी की पोजीशन आप जैसे विभिन्न डिफरेंट फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, कहाँ पर होती है, फ्रंट से, आगे से, पीछे से, इंटीरियर, पोस्टीरियर, सब कुछ मैंने डिटेल में कवर किया है। अब इसके साथ में जो ये किडनी हमारी होती है, इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन किडनी का गाइस ये है कि ये ब्लड को फिल्टर करती है और हमारे बॉडी में जो विषाक्त पदार्थ है उसको बाहर निकालती है थ्रू यूरिन। इसके साथ में जो हमारे फ्लूड का बैलेंस है वो बनाए रखती है, जिससे बॉडी में पानी की कमी ना हो। जो नेक्स्ट है, ये हमारे बॉडी में जैसे ड्रग्स या फिर कुछ भी इस तरह टॉक्सिन होता है उसको भी बाहर निकालती है। एक काम और अच्छा करता है कि रिलीज हार्मोन्स रेगुलेट ब्लड प्रेशर, कहने का मतलब कि इसमें से डिफरेंट टाइप के एड्रिनल कॉर्टेक्स और मेडुला से, जो कि एक किडनी का हमारा पार्ट है, इससे हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारे बॉडी को कंट्रोल करते हैं। हमारी जो किडनी है ये विटामिन डी प्रोड्यूस करती है, जिससे हमारी जो हड्डियाँ होती हैं वो मजबूत बनी रहती हैं। गाइस, जो रेड ब्लड सेल्स होती है उसको भी ये कंट्रोल करती है। अब हम आगे ये बताएंगे कि किडनी को मजबूत बनाए रखने के लिए क्या चीज़ खाना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है, और मेडिसिन तो मैं आपको अंत में बता दूंगा, क्योंकि अभी आपको एक एक करके सारे फीचर इसके बताने बाकी हैं। फिर अगर आपको पीडीए हो जाती है, गाइस हमारे शरीर का टोटल ब्लड दिन भर में या 24 आवर में किडनी से 40 बार होके गुजरता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्गन है। गाइस, कभी कभी जैसे मैंने आपको किडनी सिस्ट के बारे में बताया कि ये मटर के दाने के बराबर भी हो सकती है और साइज बढ़ भी सकती है। इसकी दीवार मैंने बताया कि पतली होती है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि इसकी दीवार मोटी हो जाती है और ये अल्सर के साथ साथ कैंसरस भी हो सकती है, तो यहाँ पे दिक्कत होती है। और कभी कभी क्या अचानक ये फट जाती है तो पेन बहुत कस के होता है, जो असहनीय पेन होता है, तो उस दौरान हम लोग को इमीडिएट सर्जरी करानी पड़ सकती है। ये बहुत ही रेयर केस है, ध्यान से आप सुनिएगा, बहुत ही रेयर केस है कि ये दिक्कत आए। जनरली होता क्या है कि वो ठीक हो जाती है, कुछ मैं होम्योपैथिक मेडिसिन बता दूंगा, उसको आप लेंगे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब आपको सिस्ट हो गई है किडनी में तो सिम्टम क्या आएंगे। तो पहला सिम्टम जो आएगा वो आपके पेट में, मीन्स एब्डोमेन में पेन होगा, या फिर आपके बैक साइड में एस्केपुला बोन के नीचे पेन होगा, जिसको रिफर्ड पेन बोलते हैं। सेम सिम्टम आपके किडनी स्टोन में भी होता है, तो दोनों में डिफ्रेंशिएट तभी हो सकता है जब आप इसका यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे इन्वेस्टिगेशन, तो उसमें कन्फर्म हो जाएगा कि आपको किडनी सिस्ट है, पीकेडी है या फिर स्टोन है। तो दोनों में डिफरेंस, दोनों होम्योपैथी मेडिसिन से लगभग लगभग 100% ठीक हो जाता है, शरीर में आकड़न बनी रहती है या फिर शरीर में ऐठन जैसा लगता है। तो गाइस, अब इसकी हम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको एक चीज़ और बता दें, क्या चीज़ खाएं कि जिससे हमारी किडनी मजबूत रहे, क्योंकि
कोई भी चीज़ से अच्छा फंक्शन कराना है तो उस चीज़ को मजबूत रखने के लिए हमें डाइट मजबूत रखनी चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारे खाने में बहुत ही मुख्य, बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाती है, वो होती है फूल गोभी। इसमें विटामिन सी, विटामिन बी और अधिक फाइबर होते हैं जो हमारी किडनी के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। ब्लूबेरी है जिसमें विटामिन सी होता है, पानी सफिशियंट मात्रा में होता है, ये भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फैटी फिश भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है किडनी के लिए। हम जो आजकल बहुत ही आसानी से घर में उपलब्ध हैं, लहसुन जिसको गार्लिक बोलते हैं, ये भी किडनी के लिए बहुत ही अच्छा है। हरे पत्तेदार सब्जियाँ और सीजनली फ्रूट जैसे सेब हो गया और बहुत सारे, या फिर जो सिट्रस फ्रूट हैं या फिर जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, ये भी हमारे किडनी के लिए गाइस बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा। अब सब कुछ खाने पीने के बाद में आपको पानी की संपूर्ण नॉलेज होनी चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए। आपको खाने के आधा घंटे बाद पानी पीना चाहिए, खाना खाने के तुरंत बाद थोड़ा सा पानी पीना चाहिए, उसके बाद में 2.5 से 3 लीटर या फिर 4 लीटर पानी पीना चाहिए। इससे अगर आप पानी ज़्यादा पीते तो किडनी बहुत ही साफ हो जाती है और उसके अंदर कोई भी गंदगी नहीं होती, जिससे वहाँ पर स्टोन जमा नहीं होता है, तो आप गाइस स्टोन से भी बच जाएंगे। गाइस अब हम होम्योपैथी की बात कर लेते हैं। होम्योपैथी में इसके लिए 4 से 5 मेडिसिन हैं जो बहुत ही अच्छी मेडिसिन हैं किडनी सिस्ट के लिए। तो आप उसको लेंगे कैसे? आप किसी भी होम्योपैथी मेडिकल स्टोर पर चले जाइए, वहाँ से आप ले सकते हैं। बट मेरा ये कहना है कि आप इसको पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए कि मेडिसिन की ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है, फिर कौन से मेडिसिन लेना, मैं वो आप नाम बता दे रहा हूँ, आप उसको देख लीजिए। नंबर 1 बेलाडोना है, प्लम्बर मेटेलिकम है, ग्लोनाइन है, एपोसाइनम है और कैंथेरिस है। ये कौन सी मेडिसिन लेना है ये आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा, तो आप इसमें अपने हिसाब से मेडिसिन ना लें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर डॉक्टर को लगता है कि मेडिसिन देना चाहिए तो डॉक्टर के हिसाब से आप दवा लीजिए। और इस तरह के नॉलेज वीडियो गाइज अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, बेल को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले सभी नॉलेज नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं डॉक्टर देवेंद्र, मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।